हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मोटर टॉर्शन। तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं मॉडिफाइड टाटा टियागो के बारे में। आप सबको दिखाने वाला हूं टाटा टियागो का XT वेरिएंट, जिनको बड़े ही अच्छे तरीके से कुलदीप जी, जो कि इस गाड़ी के ओनर, उन्होंने मॉडिफाई करवा रखा है। तो अभी हम हरियाणा के सिरसा में और पुलिस लाइन जा रहे हैं, जहाँ पर मिलेंगे इसके ओनर से और आपको दिखाएंगे मॉडिफाइड टाटा टियागो। तो ये है न्यू टाटा टियागो BS6 फेसलिफ्ट, जिसमें हमें मिलता है 1200 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन, जो कि हमें प्रोवाइड करता है 83 BHP की पावर और 113 Nm का टॉर्क। तो इस वीडियो से पहले हमने इस गाड़ी का ओनर रिव्यू भी किया है, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन में लिंक मिल जाएगा। और अगर आप उस वीडियो में काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि उनको इस गाड़ी की DRL फिटिंग जाननी है कि कैसे ये DRL फिट करवाई हुई है, तो वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपको बता दूं, यहाँ जो हेडलाइट पे DRL लगी है वो हेडलाइट के बाहर लगी है, ना कि अंदर लगी है। तो ये जो तरीका है, ये हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आपको बिल्कुल भी देखने में ये नहीं पता लगेगा कि जो DRL है वो बाहर लगी है या फिर अंदर। और अगर आप DRL अंदर की साइड लगवाते हैं तो उसके 3 बड़े नुकसान है। पहला ये, एक तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। दूसरा नुकसान ये कि जो हेडलाइट है उसको पीछे से, उसकी पेस्टिंग को ब्रेक किया जाता है, उसको ऐसा कुछ नट बोल्ट या फिर कोई लॉक्स नहीं होते कि उनको खोला और DRL लगा दी, तो हेडलाइट की पेस्टिंग को जो है पीछे से खोला जाता है और उसके बाद DRL लगाने के बाद दोबारा उसको किसी सॉल्यूशन से या फेविक्विक से जोड़ा जाता है। तो ये तरीका जो है थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि नई हेडलाइट होती है, उसके बाद हम उसको तुड़वाते हैं पीछे से और फिर दोबारा फेविक्विक से जुड़वाते हैं, और बाई चांस कहीं लीकेज रह जाए तो लिक्विड या फिर पानी या फिर मिट्टी आने के चांसेस होते हैं और हेडलाइट जो है वो गंदी हो जाती है। तो और तीसरा बड़ा कारण ये है कि जब आप DRL अंदर वाली साइड लगवाते हैं तो उसकी जो फिनिश है वो उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी कि कंपनी फिटेड DRLs की होती है। उसका बड़ा कारण ये है कि जब आप DRL अंदर वाली साइड लगवाते हैं तो ये जो हेलोजन लाइट के आप रिफ्लेक्टर्स देख रहे हैं, तो जो DRL लाइट है वो अंदर ही रिफ्लेक्टर के साथ रिफ्लेक्ट करती है और ब्लर हो जाती है, अंदर ही जो है लाइट फैल जाती है, जिसकी वजह से फिनिश जो है वो उतनी अच्छी नहीं आ पाती है। और वही DRL जो है बाहर वाली साइड लगी हो तो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। अभी मैं आपको इसका नाइट मोड दिखाता हूँ और आप देख सकते हैं कि जो लाइट है वो बिल्कुल भी नहीं फैली हुई है, बिल्कुल सेपरेट लाइट देखने में लग रही है DRL की। गाड़ी की लाइट और DRL की लाइट जो है वो मिक्स नहीं हो रही है। तो आप हमें बताएं कि आपको कैसा लगा ये DRL का तरीका और इसकी लुक्स कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो प्राइस की अगर हम यहाँ बात करें तो फिटिंग के साथ इसका प्राइस है 600। तो ये दो तरह से काम करती है, अगर हम इंडिकेटर ऑन करते हैं तो ये इंडिकेटर भी शो करती है और वैसे ही LED DRL वाला काम भी करती है। इसके अलावा कुछ और एक्सेसरीज भी हैं, उनका प्राइस मैं आपको बता देता हूं। तो ये जो फोग लैंप्स है DRL वाले, इनका जो प्राइस है 600। और इसके अलावा ये जो नंबर प्लेट है, इसका कवर है, ये भी एज एक्सेसरी 200 रुपीज़ का लगा हुआ है। इसके अलावा हमने जो मिस कर दिया हेडलाइट में, वो ये कि इसके अंदर जो वाइट लाइट है, पार्किंग लाइट जिसे बोलते हैं, वो भी वाइट लगवाई हुई है, जिसका प्राइस है 50 रुपीज़। और ये जो डोर वाइजर्स हैं, इनका प्राइस है 300। और इसके अलावा ये जो सीट कवर्स हैं, जो देखने में काफ़ी अच्छे और क्वालिटी भी अच्छी है, इनका प्राइस है 2400। और इसके अलावा ये जो सन प्रोटेक्टर्स हैं, सनलाइट प्रोटेक्टर्स हैं, इनका प्राइस है 250। ये अंदर जो है आपकी गाड़ी की विंडशील्ड के साथ अटैच होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको जो मैट्स हैं, मैट्स के नीचे जो हम शीट लगवाते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी शीट है, जिसका प्राइस है 600। और इसका फ़ायदा ये है कि आप मिट्टी ईजिली निकाल सकते हैं। तो ये थी टाटा टियागो की कुछ मॉडिफिकेशन, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप हमारे लिए ये 3 काम करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।